एक्शन। आओ आओ। हमने एक बहुत बड़ा सपना देखा है, लूटने का सपना। और ये सपना मेरा तो सपना और देशवासियों के सपने पूरे हो, 500 करोड़ देशवासियों के सपने पूरे हो। बहनों, मैं आपको कह रहा हूं, आप मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने इनसे ना हो पाएगा। मैं आपको सुखचैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा कर रहा हूं। ये दाना धर्म आप लाना चाहिए, ये चोर लुटेरों से एक पार्टी को मौका मिलेगा, लूटपाट का भग जाएगी, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। ये जनता के पैसे हैं, गरीब के पैसे हैं। हमारा किसान खेत में मजदूरी करता है, उससे निकला हुआ धन है, वो धन पर हिंदुस्तान का अधिकार है, हिंदुस्तान के कोटि कोटि गरीबों का अधिकार है और उनको वो धन मिलना चाहिए। मौका दीजिए मेरे भाई में, अगर 30 दिसंबर के रात कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मेरे ईमानदार देश भग जाएगी, आइए मेरे साथ चलिए, सिर्फ 50 दिन, 30 दिसंबर के बाद मैं आपके जैसा हिंदुस्तान चाहा है वो तो क्या। मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज पे कौन लोग बैठने चाहिए। क्या बकवास है ये, अगर किसी ने ताली नहीं बजाई, ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। हमने एक बहुत बड़ा सपना देखा, मेरे टुकड़े मगरमच्छों को फेंके जाएंगे बेटा। सपना हिंदुस्तान के हर किसान के भाग्य को बदलने का सपना है। हमारा सपना है 2000 भारत की आजादी के 75 साल हो गए। आजादी के 75 साल जब हो, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए। ये दुखानी तो और क्या है ये, और उसके लिए हम काम कर रहा है। ये दुखानी तो और क्या है। भारत का इतिहास उठा के देखिए, जिस प्रकार के अपशब्दों का उपयोग, जितनी गालियां सोशल मीडिया पे वर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ में बोली गई है, उतना भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ इतना ज्यादा अपशब्दों का उपयोग नहीं हुआ है। और आप बात करते हैं कि सरकार के खिलाफ आवाज नहीं बोल सकते। Oh!